हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में जो है स्वागत करते हैं। यहाँ पे तो आज का जो टॉपिक है जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि कल ही जो हमारे जो इसरो जो है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है, कल जो है ब्लैक होल, जो खगोल विज्ञान के बारे में देखेंगे तो सबसे बड़ी जो घटना होती है या रहस्यमयी है देखेंगे तो ब्लैक होल जो घटना है उस पर जो है रिसर्च करने के लिए हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, बड़े बड़े एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह में यहाँ से इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में जो इसरो के द्वारा बैक जो ब्लैक होल है इसकी घटना के लिए जो है इसके जो यहाँ पे जो है इसरो के द्वारा कल इसका जो है एक यहाँ पे सेटेलाइट यहाँ पे जो लॉन्च यहाँ पे किया गया है, और जो ब्लैक होल की जो घटना इसकी जानकारी जुटाने के लिए जो है यहाँ पे जो है इसरो के द्वारा मिशन को भेजी गई। इस पर पूरा हम डिटेल बात करेंगे, यहाँ पे ब्लैक होल घटना कब हुई थी, क्या चीज़ होता है, तो इस सारी डिटेल यहाँ पे हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक उसी पे बेस्ड है, कल जो है इसका प्रक्षेपण यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यहाँ पे आंध्र प्रदेश से यहाँ पे भेजी गई है। तो पहले जान लेते हैं इसरो क्या होता है। तो इसरो हमारी जो है स्पेस एजेंसी है, जैसे अलग अलग देश की स्पेस एजेंसी है, तो हमारे भारत का जो है स्पेस एजेंसी है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी जो स्थापना है 1969 में जो इसकी स्थापना किया गया था, कब किया था, 15 अगस्त 1969 को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। पहले आपका चंद्रयान 3 सफल किया गया, चंद्रयान 3 के बाद यहाँ पे आदित्य L1 जो है इसको यहाँ पे सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा था। इसके जो इस बार जो है ब्लैक होल के लिए यहाँ पे जो है इसको भेजी जा रही थी। यहाँ पे पूरा डिटेल बात करेंगे, कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये आपके बेसिक जानकारी के लिए भी है और सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है आपके बेंगलोर में जो है, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, तो बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिए। इसके चेयरमैन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो सोमनाथ बोलते हैं इसको, श्रीधरा जो सोमनाथ जी वर्तमान में इसके इसरो के चेयरमैन है, तो इसको आपको याद रखना है, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र है हमारा। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसको जो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, एक्सपोसेट, याद रखिए एक्सपोसेट जो है इसके द्वारा लॉन्च किया, जो कि नए साल के इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो हम ब्लैक होल कई बार पुस्तक में आप पढ़े होंगे, तो ब्लैक होल के स्टडी के लिए, इसके जानकारी के यहाँ पे जुटाने के लिए, यहाँ पे जो ब्लैक होल होती है इसके घटना क्यों होती है, इसके क्या रीजन है, इसको यहाँ पे जानकारी के लिए यहाँ पे जो एक्सपोसेट का जो सफल परीक्षण यहाँ पे कल 9:10 बजे मॉर्निंग में किया गया है, आप इसरो के जो है चैनल से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आप थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो भारत ने साल की शुरुआत खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए यहाँ उपग्रह यहाँ पे भेजी गई है, और जो सुबह यहाँ पे 9:10 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है, जिसको स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं, जो हमारी स्पेस एजेंसी, यहाँ पे जो एक्सरे पोलरमीटर जो उपग्रह, यानी इसको एक्सोसेट बोलते हैं, इसके जो रॉकेट जो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका PSLV किसके माध्यम से भेजा गया है, PSLV 58 इसके माध्यम से इसको भेजा गया था। ये आपका कौन से जो है लॉन्च व्हीकल के तहत भेजा गया था, तो याद रखिए PSLV 58 के जो जरिए इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ से किया गया है, तो आपका इसरो के द्वारा इसको भेजी गई है, तो जो है इसके जरिए इसको लॉन्च किया गया है, और अंतरिक्ष में लगभग 650 किलोमीटर ऊँचाई पर जाएगा। यहाँ पर जो है जमीन से लेकर पूरा ऊपर तक 650 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपका जाएगा PSLV 58, और इसी के ऊंचाई पे जाएगा इस रॉकेट का जो लगभग ये आपका 60वां मिशन है। कौन सा मिशन है, मतलब इसके जरिए तो लगभग 59 मिशन और यहाँ पे किया जा चुका है, ये कौन सा मिशन है, तो ये आपका 60वां मिशन है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी मिशन में यहाँ पे एक्सपोसेट के साथ लगभग 10 अन्य उपग्रह भी पृथ्वी के निचली कक्षा में यहाँ पर स्थापित होंगे, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये आपका क्यों खास है, इससे क्या पीछे इसका जो मिशन जो यहाँ पे किया, इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो इसरो ने बताया है कि इस उपग्रह का जो लक्ष्य है, सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्सरे का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण का पता लगाना है। यहाँ पे जो ब्लैक होल की घटना होते हैं यहाँ पे, तो इसी में बताया गया है, जो अंतरिक्ष से आने वाली जो गहन एक्सरे का पोलराइजेशन जो यानी ध्रुवीकरण यहाँ पे बोलते हैं इसको पता लगाने, आकाशीय पिंड से जो आ रही है जो
रहस्य इन कीड़ों के बारे में काफ़ी जानकारी देती है और पूरी दुनिया में एक्सरे ध्रुवीकरण को यहाँ पे जानने का जो महत्व भी यहाँ पे बढ़ा रही है इसमें। और ये जो पिंड, ये जो संरचना है, जो आपका ब्लैक होल जिसमें आपका क्या होता है न्यूट्रॉन तारे, तारे में विस्फोट के बाद उसके बचे अत्यधिक द्रव्यमान वाले जो हिस्से हैं जिसमें आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद जो नाभिक आदि, ये सभी जो आदि इसके जो जो समझने के लिए मदद करता है। इससे आकाशीय पिंडों के आकार और विकिरण जो विकिरण बनाने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी, इसलिए जो है आपको इसको भेजा जा रहा है। जो आपका जो ब्लैक होल देखे होंगे, यहाँ पे ब्लैक होल में कोई भी जो पिंड तारा वगैरह इसके अंदर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जो आपका अपने अंदर ये आपका एब्जॉर्ब कर लेती, खींच लेती है। और यहाँ पे पूरा अंदर जाने के बाद इसमें कोई मतलब कोई भी वस्तु उसके अंदर ब्लैक होल में जाती है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। यहाँ पे पूरा ऐसा ही आपका ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल के बारे में थोड़ी जो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ब्लैक होल जो अंतरिक्ष में ऐसी जगह है, तो ब्लैक होल क्या चीज़ है? तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। अभी जस्ट बताया हूँ आप लोग को। तो ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। देख सकते हैं प्रकाश भी नहीं निकल पाता, मतलब कोई भी वस्तु वहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो जहाँ हर वस्तु एक छोटी सी जगह में सिमटी होती है और चूंकि कोई भी प्रकाश बाहर निकल पाता यहाँ पे नहीं निकल पाती है, कोई भी वस्तु वहाँ पे जाती है चाहे तारा हो प्रकाश हो, प्रकाश भी यहाँ पे नहीं आ पाती, इसलिए जिसको लोग ब्लैक होल नहीं देख पाते हैं। और तो इसके जो फर्स्ट जो मामला जो है 2018 में एक छोटा सा जो तारा पृथ्वी से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष जो दूर स्थित जो आकाशगंगा जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, इससे जो एक ब्लैक होल के जो बहुत करीब पहुंचने पर टुकड़ों में बिखर गया था। हाल ही में हुई एक रिसर्च पता चला है कि जो ब्लैक होल अब प्रकाश की गति की आधी गति से यात्रा करने वाले मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। इससे करके आपके जानकारी है 2018 का मामला जो ब्लैक होल की घटना यहाँ पे सामने आई है। तो इसी के अध्ययन के लिए ब्लैक होल की घटना के लिए जो है हमारे जो इसरो टीम ने यहाँ पे जिसके लिए यहाँ पे सेटेलाइट जो प्रक्षेपण यहाँ पे किया गया है, इसमें कौन कौन से जो पार्ट्स वगैरह उसको बारे में उपकरण के यहाँ पे देखेंगे थोड़ा और थोड़े इसको डिटेल देखते हैं। यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से उपकरण, यहाँ पे दो उपकरण इसमें उपयोग किया जा रहा है। तो जो आपका एक्सपोसेट में दो उपकरण लगाए गए हैं, पहला आपका पोल्ड्रीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे यानी जो पॉलिक्स है, इसे रमन शोधन जो संस्थान के द्वारा बनाया गया। वहीं एक्सरे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है एंडो टाइमिंग यानी एक्सपेक्ट, ये दूसरा उपकरण है, इसे UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया। इसके जो पार्ट्स वगैरह अलग अलग के द्वारा, जैसे आपका यहाँ पे रमन के द्वारा, रमन जो संस्थान है इसके द्वारा एक यहाँ पे उपकरण को बनाया गया है। वहीं दूसरा उपकरण अगर देखेंगे तो UR राव उपग्रह केंद्र जो बेंगलुरु के द्वारा इसको बनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो उपकरण है इसको यहाँ पे दो उपकरण यहाँ पे इसको भेजने के लिए तैयार किया गया है। तो ये खास करके जो है क्यों खास है, इसका रीजन क्या है, इसको मैंने इसको बता दिया। ब्लैक होल के जो घटना को यहाँ पे समझने के लिए जो हमारे जो स्पेस जो कंपनी है इसरो के द्वारा इसको भेजी जा रही है, तो इसको बढ़िया पढ़ लीजिएगा। मैं इसको टेलीग्राम में यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो जो है यहाँ पे इसके साथ अन्य उपग्रह भी इसमें स्थापित यहाँ पे किया जा रहा है और इसको बढ़िया पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इसको PDF को मैं शेयर कर दूँगा, बढ़िया पढ़ लीजिएगा। और चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए साल की जो शुरुआत इन्होंने यहाँ पे कर दी है तो बस आपको भी नए साल की यहाँ पे अच्छे से शुरुआत यहाँ पे करने करी, मतलब नए साल का जो है ब्लैक होल की घटना को रात जानने के लिए जो है इसरो के द्वारा कल इसको भेजी जा रही है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पर पहुँच पाए।